So hello viewers, and this is a very Sunday special video, and I'm gonna tell you, I'm gonna describe you some conversations over here that I have written on the whiteboard. So let's begin the session with the question directly. So the first question is, what do you do for a living? It is a frequently asked question. If someone asks you, what do you do for a living? Like, आप अपने लिविंग के लिए क्या करते हो, क्या काम करते हो फॉर लिवलीहुड को चलाने के लिए, तो हम आंसर कर सकते हैं. एज अ स्टूडेंट आप कह सकते हैं, आई डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ, मैं अभी कुछ नहीं करता, बिकॉज आई एम ओनली अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ अभी, तो फिर मैं अभी कुछ नहीं करता. एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड एंड इफ़ यू हैव अ गुड करियर, देन यू कैन मेंशन देम. लाइक आई विल से, आई डू टीच स्टूडेंट्स फॉर माय लिविंग, और आई टीच फॉर माय लिविंग. आप अपनी जॉब को मेंशन कर सकते हो, अपने प्रोफेशन को मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू लिव इन, आप कैसे जगह में रहते हो. आपको बताना है कि वो जगह जहाँ आप रहते हो वो कैसा है. हमारा आंसर है, आई लिव इन अ रूरल. अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो तो आप कह सकते हो, आई लिव इन अ रूरल एरिया. आप अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो फिर कह सकते हो, आई लिव इन एन अर्बन एरिया. और अगर मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी है, कैपिटल सिटी है, तो फिर आप वो भी मेंशन कर सकते हो, लाइक आई लिव इन अ मेट्रो सिटी, आई लिव इन ए इन द कैपिटल सिटी. लाइक कैपिटल सिटी मीन्स एनी वेयर, लाइक पटना, रांची, दिल्ली, दीज आर द कैपिटल सिटीज इन आर कंट्री. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश क्या है. और आई शुड से स्वीट, व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट. आई हैव मेंशन हियर, माई फेवरेट स्वीट इज गुलाब जामुन. यू मे मेंशन योर्स. नेक्स्ट वन, व्हाट डिश डू यू हेट द मोस्ट. आपको सबसे खराब, सबसे जो हेट काइंड ऑफ जिससे फीलिंग आती है, कौन से डिश से आती है. मैंने यहाँ लिखा है, आई हेट नॉन वेजिटेरियन डिशेज, मुझे नॉन वेजिटेरियन डिशेज पसंद नहीं है. अगर आपके मन में भी कोई ऐसे डिशेज हैं तो उन्हें आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट वन, डू यू नो एनी गुड रेसिपी, क्या आप कोई ऐसी अच्छी रेसिपी जानते हो. तो मैंने आंसर में लिखा, यस आई कैन कुक साउथ इंडियन डिशेज. हाँ, मैं साउथ इंडियन डिशेज बना सकता हूँ, लाइक इडली, डोसा, ये सब डिशेज. अगर आप इस तरह के कुछ रेसिपीज आप जानते हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट वन है, डू यू फील अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेज, क्या आप कॉकरोचेज से डरते हो. तो यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है, अगर आप डरते हो तो यस, हाँ, दे लुक टेरिबल, वे काफ़ी मतलब डरावने दिखते हैं. एंड आई फील लाइक स्क्रीमिंग, और मुझे तो चिल्लाने का मन करता है व्हेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूँ या देखती हूँ. नेक्स्ट वन, कैन यू इमेजिन समवन ईटिंग कॉकरोचेज, कि आप किसी ऐसे की कल्पना कर सकते हो जो कॉकरोचेज खा रहा हो. नेक्स्ट वन, यानी पहले इसका आंसर देखते हैं. तो इसका जो आंसर है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. इफ समवन इज ईटिंग, आई थिंक ही इज क्रेजी पर्सन, इज द क्रेजीएस्ट वन. हाँ, और ऐसे लोग होते भी हैं, आप जानते होने कि कॉकरोचेज लोग खाते भी हैं चाइना जैसे कंट्री में. Which part of your house do you like the most? आप अपने घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद करते हो. हमने यहाँ पर लिखा है, इट्स द टेरेस. टेरेस मीन्स जो घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है. एंड समटाइम्स द किचन एज वेल, और कभी कभी किचन भी. किचन इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक ईटिंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो किचन में अगर कुछ रखा हो तो ऑफकोर्स. हाँ, नेक्स्ट वन, डू यू लाइक द पीपल लिविंग इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं क्या आप उन्हें पसंद करते हो. ये डिपेंड करता है आपके नेबरहुड पर, है ना. तो हमने आंसर में लिखा है, यप दे आर फाइन, हाँ वे अच्छे हैं, बट समटाइम्स दे आर टोटली वाइल्ड, लेकिन कभी कभी वो पूरे जंगली तरह करते हैं. जंगली मतलब दे मेक सम नॉइज, लाइक दे बिहेव वेरी वियर्डली. सो दीज आर द थिंग्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लव ऑन योर हॉलीडेज, लाइक आप अपने हॉलीडेज पर क्या करना पसंद करते हो, बेहद पसंद करते हो. आंसर में मैंने लिखा है, आई लव रीडिंग, और आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स एंड वॉचिंग कार्टून्स. मुझे कार्टून्स देखना पसंद है, कॉमिक्स देखना पसंद है. सो लाइक एक्चुअली कॉमिक्स को पढ़ा जाता है. सो हाँ, या आई लाइक, आई लव और आई लाइक और आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स एंड वॉचिंग कार्टून्स. एनिम्स भी बोल सकते हैं, एनिम्स कार्टून्स एक जैसे होते हैं, एनिमेशन से जो बने होते हैं उसको हम कहते हैं. एंड द लास्ट में मैं आपको कुछ टिप दिए जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ पोर्टमैंटो बताता हूँ. मैंने इसे शॉर्ट्स में हालांकि अपलोड करा हुआ, आप उन्हें भी देख सकते हो. तो पोर्टमैंटो क्या होता है, दो वर्ड को मिलकर जब एक वर्ड बनता है, तो जैसे ब्रंच है, ब्रेकफास्ट और लंच से बनता है ना, हैंग्री, हंग्री और एंग्री से बनता है.
एंड देन चिलैक्स, चिलैक्स बनता है चिल और रिलैक्स से, एंड द स्पॉक जो है स्पॉक बनता है स्पून और फॉर्क से, आप जानते होंगे ये खाने की जो यूटेंसिल्स होते हैं। फ्रेनिमी, फ्रेनिमी बना है फ्रेंड और एनिमी से। आई होप यू लव द वीडियो, इफ यू डिड लव देन प्लीज डू कमेंट द सेक्शन बिलो एंड ask me for such kind of videos. If you will comment, I think I will surely come with more videos like this. Thank you for watching.